आउट स्टाइल क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी वीडियो गौर से देखिए और सुनिए, क्योंकि सवाल यहीं कहीं छुपा है और जवाब देना है आपने कमेंट सेक्शन में। एंजॉय। सब्सक्राइब टू आउट स्टाइल, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी कोई आउट स्टाइल की वीडियो आए। नेवर मिस अ वीडियो ऑन आउट स्टाइल। रिव्यू है, फर्स्ट इम्प्रेशन है ऑफ दिस किट बाय नबीला कॉल्ड जीरो मेकअप। पहले इसका नाम था नो मेकअप और उस वक्त ये एक्सपेंसिव भी थी ज़्यादा पैलेट। और इसका एक तो इसकी जो पाइनियर हैं जिन्होंने इसको लॉन्च किया है नबीला, शी इज़ अ वेरी बिग नेम इन पाकिस्तान, शी इज़ अ स्टाइलिस्ट आइकॉन, पाइनियर इन स्टाइलिंग, वैसे हेयर स्टाइल्स, हेयर कलर, बहुत नए कॉन्सेप्ट इन्होंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराए हैं। एंड एट अ टाइम व्हेन पीपल डिडंट इवन अंडरस्टैंड और नो न्यू अबाउट यू नो हेयर स्टाइल्स एंड इंटरनेशनल ऐसे और स्टाइलिस्ट के नाम, उनका क्या स्टाइल चल रहा है सारा कुछ, तो बहुत सारी नए ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, करा रही हैं नबीला हु इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड अमेजिंग पर्सन आई मस्ट से। वन पैलेट विच इज़ सो कन्वीनियंट, स्मॉल कॉम्पैक्ट, बैग में रखी, कहीं भी गए चुपके से ठीक किया, बैग में रखा, निकल पड़े। और मज़े की बात यह कि जेंट्स भी, लड़के भी इसको बहुत यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी कि कैसे, क्यों, कहाँ। एंड टुडे व्हेन यू वॉच द वीडियो आई विल गिव यू वन फ्री ऑफ दिस जीरो मेकअप पैलेट व्हेन यू विल आंसर अ क्वेश्चन। और मैं आपको बताऊँगी भी थोड़ी देर में क्वेश्चन, उसके लिए पूरी वीडियो देखें, क्वेश्चन मैं कहीं भी पूछ सकती हूँ। अच्छा बात हो रही थी तो आज मैं ट्राई करूँगी, आपको दो शेड दिखाऊँगी। द पैलेट कम्स इन सिक्स कलर टोन्स, कम्प्लेक्शन टोन्स, लाइट से लेके डार्क तक। तो आई हैव द सेकेंड एंड थर्ड इन द लिस्ट टोन चार्ट में, पर्ल एंड आइवरी, जो कि मैं आज आपको ट्राई करके बताऊँगी। एंड पहले नो मेकअप जब लॉन्च हुआ इट वॉज मोर एक्सपेंसिव, जीरो मेकअप इज नाउ नबीला इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड द ब्रांड हैज़ बिकम इंटरनेशनल। तो ये बड़े मुझे लगता है फ़ख्र की बात है कि हमारा ब्रांड कोई अब इंटरनेशनल लॉन्च हुआ है, ऑनलाइन मिलता है एंड इट्स गुड क्वालिटी। आई कैरी इट इन माई बैग, ये मैं आपको बताऊँ कि ये मैं अपने बैग में ज़रूर कैरी करती हूँ, लेकिन सामने करके आपको बताऊँगी तो ज़रा और इस तरह से वीडियो करेंगे जैसे फर्स्ट इंप्रेशन है। हालांकि आई हैव ट्राइड इट बिफोर, मैंने नो मेकअप भी ट्राई किया है, जीरो मेकअप भी ट्राई किया, तो फर्स्ट इंप्रेशन समझ लें कि भाई अब दोनों को भी मैं कंपेयर करूँगी कि अब इंटरनेशनल मार्केट में जब ये प्रोडक्ट आई है तो यू आर ऑब्वियसली कम्पीटिंग विद बिग ब्रांड, बेस्ट क्वालिटी एंड कीपिंग इट अफोर्डेबल एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि नबीला ने ब्लश, लिप शेड, कंसीलर एंड फाउंडेशन को एक किया, अभी वीडियो में देखते हैं। स्क्रैच से मेकअप दिखाती हूँ एंड मेकअप डिसअपीयर, टाटा। और मेरा चेहरा इतना करीब से देख के आपको लग रहा होगा कि मेरे रोज़े पूरे जा रहे हैं माशाल्लाह, होंठ सूखे सूखे, रंगत रुखी रुखी, आँखों में खड्डे ही खड्डे और साथ में क्या कहते हैं पफी आईज, डार्क सर्कल्स, ये तो फिर होता है रोज़ों में। इट्स ओके, मेरे साथ हो रहा है, आपके साथ भी हो रहा होगा, हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं, लेकिन हमारे पास शायद ये फ़र्क है कि आपके पास जीरो मेकअप नहीं है, मेरे पास है तो शायद मैं भी बहुत खूबसूरत लग जाऊँ, पता नहीं क्या होने वाला है। बट लेट्स ट्राई इट। शेड कार्ड में जो लाइटर है पर्ल राइट साइड पे, हाफ फेस पे, एंड देन द आइवरी ऑन द अदर हाफ, सो वी कैन कंपेयर। बहुत कम फ़र्क है, एक शेड एक टोन का फ़र्क है सिर्फ, लेकिन ये कि नज़र आ जाएगा कि क्या मेकअप। और इस हालत में जब मेरा चेहरा मतलब नहाए थी रूखे और बुरे हाल में, उसमें इट शुड शो नाइस। आई वॉन्ट गुड कवरेज, जीरो मेकअप प्लीज़, अदरवाइज नॉट गुड। तो स्टार्ट करते हैं। ओके अच्छा, देर इज अ लिटल मिरर हियर। ओके, अब अजीब बात यह है कि जब मैंने पैलेट ली है, एक में मेकअप के, ये देखें आप कितने, देर इज अ मिरर, एक पैलेट में मिरर नहीं है। ये मेरे साथ ही हुआ है या ये आपके साथ भी हुआ है?
हेलो हेलो, ये मिरर कहाँ गया? इसका मिरर इज मिसिंग, इसका है। एक इसमें जो पैलेट में मुझे बात अच्छी नहीं लगी कि पीछे जो इंडिकेशन दी हुई है, जो इसका पैलेट का शेड है, टोन है, वो इतने लाइट उसमें लिखा हुआ है। अब इस जगह पे समवेयर ओवर हियर, कैन यू सी इट, कैन यू रीड इट? आई कांट। तो मेरे पास दो पैलेट्स हैं, अगर घर में दो पैलेट्स ली हुई हूँ, एक बच्ची यूज़ कर रही है, एक मम्मी यूज़ कर रही हूँ, आपका डेफिनेटली मिक्सअप होने वाला है, बिकॉज देर इज़ नो वे यू कैन रीड कि ये पर्ल है या आइवरी है। मैं 100 दफ़ा पढ़ चुकी हूँ, मुझसे एक तो पढ़ा नहीं जा रहा है। पर्ल, मेरे ख्याल में ये पर्ल है, और जो पर्ल है वो लाइटर है देन आइवरी। सो पर्ल गोज ऑन द लेफ्ट साइड, आइवरी गोज ऑन द राइट साइड। स्टार्ट करेंगे विद द कंसीलर अंडर द आई, उसके बाद द फाउंडेशन, द ब्लशर एंड देन द लिपस्टिक। और मैंने देखा है ज़्यादातर लोग इसको फिंगर टिप से ही अप्लाई करते हैं, इट्स मोर कन्वीनियंट एंड दैट्स हाउ आई सीन द बॉयज यूज इट सेट पे, जो लड़के, जी हाँ, बहुत सारे हमारे एक्टर्स ये किट कैरी करते हैं और वो यूज़ करते हैं, बिकॉज इट्स लाइट, इट्स वेरी नेचुरल एंड कन्वीनियंट। एक पैलेट वो यूज़ करते हैं, किसी की नज़र में भी ना आए, लड़कियाँ भी ना देखें चुप करके साइड पे, लेकिन फिर भी पकड़े गए हैं मेरी नज़र से, तो आपको पता है डॉन की नज़रों से तो कुछ नहीं बचता। तो मैंने तो पकड़ लिया अपने कोस्टार्स को ये यूज़ करते हुए। तो लेट्स यूज़ द फिंगर्स एंड सी व्हाट हैपेंस। I like the coverage. अब इसका ये मैंने कभी कंसीलर लगाया था पर्ल का, और अब इसका ये फाउंडेशन या बेस कह लें आप, वो लगा रहे हैं। बड़ा लाइट सा, मज़े का इसका ऑयली सा ऐसे ये टेक्स्चर है। अब आई डोंट नो कि अगर ऑयली स्किन होगी ज़्यादा तो उस पर ये ठहरेगा या नहीं, बट फॉर माई सेल्फ हु हैज़ अ नॉर्मल टू ड्राई स्किन, मोस्टली नॉर्मल, उसके लिए तो बहुत अच्छा है, बिकॉज आई नीड अ लिटिल मॉइस्चराइजिंग। और ये बड़ी कन्वीनियंट वाली किट है, इसमें बनाई इसीलिए गई है कि ठक ठक आपने फिंगर टिप्स यूज़ किया एंड यू ब्लेंड इट नाइसली यूजिंग योर फिंगर टिप्स, ज़्यादा ब्रशेज ना कैरी करने हो, ऑन द गो, एनी टाइम, एनी वेयर, and it's a zero makeup, like a no makeup look. Okay, now I will apply the blush on right here, जो इस टोन के साथ बना है कि जी जिनका ऐसा कम्प्लेक्शन उन पर सूट करेगा ये टोन, तो यही ब्लश ऑन और यही लिपस्टिक उनके साथ सूट करेगी। तो लेट्स सी इफ नबीला got it right. I love the blushing effect. And then the lipstick right here, जिस पे ज़्यादा मज़े का ऑयली फॉर्मूला है, it's nice. अब अजीब बात है, लिपस्टिक मैं कल पूरी लगा लूँ, और लिपस्टिक में फिंगर टिप से मेरे लिए बहुत मुश्किल है, so I'm going to use the brush. And I love this lipstick shade. This lip shade is just what I love. Ideal मेरा ये जो है ये मुझे शेड बहुत पसंद है। But probably pearl is a little lighter for my complexion. I would like to go one tone darker, and that would be ivory. But lip shade or blush shade मुझे ज़्यादा pearl का पसंद आया। तो difference पहले आप देख लीजिए कि this is with zero makeup and this is nothing. This is zero makeup but makeup and this is no makeup, जो कि इसका पहला नाम था। Alright, let's try now, जो पढ़ा नहीं जा रहा, ivory. Let's try ivory now. Ivory का मिरर नहीं है, पता नहीं क्यों। So I have to use another mirror. पहले टेंशन कम है मेरी लाइफ में। इसके कंसीलर में थोड़ा ऑरेंज टोन ज़्यादा है, तो इट्स काइंड ऑफ अ करेक्टर ऑल्सो। तो आई थिंक अगर थोड़ा सा डार्क सर्कल्स हैं जो अभी इस वक्त मेरे हैं, तो मेरे लिए तो ये बेस्ट है इस वक्त यहाँ, क्योंकि इट विल गिव मी अ गुड कवरेज।
इसमें थोड़ा आई कैन सी देयर इज अ कलर करेक्टर. नाउ द फाउंडेशन. थोड़ी सी लाफ लाइंस के पास और चिन के पास आई वुड मिक्स इट द फाउंडेशन विद अ लिटिल कंसीलर. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टोन्स, बेस्ट शेड ओवरऑल जो पैलेट है आइवरी, बहुत अच्छा. इसके मुझे ब्लेंडिंग फाउंडेशन कंसीलर बहुत अच्छा लगा. आई थिंक थोड़ा सा मुझे इस पर सेटिंग पाउडर चाहिए होगा ऑन दिस साइड. व्हाट डू यू थिंक? वी डोंट नीड टू मच. Very very little, just to set. जो areas आपके dry होते हैं वहाँ आप setting powder नहीं लगाएं. मेरा forehead जैसे dry हो जाता है तो मैं सिर्फ oily areas में लगाऊंगी. My chin, my mouth, nails, under eye, and blusher अभी रहता है. इसका ज़रा कुछ ज़्यादा dark है blusher. रूझ नहीं लगाई मुंह पे. आई लुक लाइक अ डॉल, जैपनीज डॉल. ये बहुत जरूरी है, इससे बड़ी मजे की यंग फ्रेश, इससे बड़ी अच्छी मजे की यंग लुक आती है. अच्छा ब्लशर, ज़्यादा कॉन्टोरिंग करने की भी जरूरत नहीं है कि थोड़ी सी अब लगाते हैं. अच्छा ये मैंने इसका ब्लश ऑन यूज किया एंड दिस इज द लिपस्टिक. You go. So how do I look? बिल्कुल मैंने आप जिस तरह कोई नॉविस बंदा आराम से बड़े बेसिक और बड़े मासूम तरीके से आप यूज़ करेंगे पैलेट को फर्स्ट टाइम भी मेकअप कर रहा हो, तो मैंने बिल्कुल उस तरह से सिंपली इसको अप्लाई किया विद नो प्रोफेशनल टच ब्रशेज एंड ब्यूटी ब्लेंडर्स, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ओके नाउ यू कैन कंपेयर. हाफ साइड इज आइवरी एंड देन द पर्ल इज हियर, आइवरी इज हियर. Which one looks better? मुझे please comments में नीचे बताएं. Which one would you go for? Obviously और भी shades according to your tone, but मेरे face पे आपको क्या अच्छा लग रहा है ये मुझे बताएं. Would you go for the pearl? Left side, this side? इसका पूरा combination, चारों चीज़ों का, concealer, foundation, blush, lipstick. और इस तरफ the ivory. Which one is better? You think? I just love the texture. फाउंडेशन का टेक्सचर बहुत अच्छा है. कंसीलर द फॉर्मूला वो नबीला गॉट इट परफेक्टली राइट. आई लव द ब्लश ऑन, आई लव द लिप्स शेड ऑल्सो जस्ट राइट फॉर मी. आई लव इट एंड आई थिंक मेजॉरिटी लोगों के साथ ये शेड कॉम्प्लीमेंट करेंगे बिकॉज बहुत सारे ब्रांड्स हमारी जो स्किन टोन है उसके साथ नहीं जाते, तो दिस गोज वेरी वेल. एंड द पाउडर, द सेटिंग पाउडर जो कि यहाँ है, दिस इज अ गुड टच. द प्राइस इज वेरी नाइस, बट वॉट हैपन्स वेन द फाउंडेशन विल फिनिश, क्योंकि डेफिनेटली कंसीलर चलेगा ज़्यादा, ब्लशर बहुत चलेगा, लिपस्टिक चलेगी, लेकिन द फाउंडेशन यू नीड मोर ऑफ इट, स्पेशली अगर आपको नेक कवर करनी है. नेक कवर करने के लिए तो इतना है ही नहीं, तो बहुत मैंने भी खुद अभी दूसरी फाउंडेशन नेक पे लगाई है ताकि वेस्ट ना हो, तो दिस इज़ लेस. ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे, दोबारा से पूरी नई किट खरीदेंगे नबीला? ये थोड़ा आपसे पूछना था, और फिर नहीं लेंगे सिर्फ इसके लिए, बाकी ज़ाया हो जाएगी. ओके नाउ हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू. अगर आप जीतना चाहते हैं एक जीरो मेकअप का पैलेट फॉर योर सेल्फ, गिव मी टू गुड सजेशंस हाउ दिस पैलेट कैन बी इम्प्रूव्ड. इसमें अगर कोई आपको फ्लॉ नजर आया तो वो कैसे ठीक हो सकता है, इसके अलावा क्या चीज़ इसमें ऐड हो सकती है ताकि ये एक और भी बेहतर प्रोडक्ट बन जाए. एंड आई एम श्योर नबीला वुड लव टू नो अबाउट दिस कि आप क्या क्या कहना चाहेंगे इस पैलेट के बारे में. जिसके भी कमेंट्स अच्छे लगेंगे, समझदार विजडम से भरे हुए, उसको ये पैलेट जो है फ्री मिलेगी. और नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूंगी मैं विनर का नाम. तो आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो. गिव मी अ थम्स अप, ये आप है, गिव मी अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन दैट ऑलरेडी. आई डाउट इट. बाय.